आज हम बात करते हैं हेयर ऑयल की। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के हेयर ऑयल मिलते हैं, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि अब हम कौन सा हेयर ऑयल चूज़ करें, हमारे बालों के लिए कौन सा हेयर ऑयल सुटेबल है जो हमारे बालों को ख़राब होने से बचाता है और जिससे हमारे बालों में जो दो मुंह बाल हो जाते हैं उससे भी रोकता है। और बहुत से लोगों के बाल ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं होती, वो रुक जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोगों को अपना खान पीन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग रोज़मर्रा में जो ज़्यादा ऑयली या फास्ट फूड लेते हैं उसको हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। अगर हम उसके साथ अगर हम ये देखें कि हमें जो यूज़ करना है उसके साथ वो क्या करना है, जो ज़्यादा खान पीन में जो हमें चेंज करना है वो क्या करना है, मेरी राय यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क का यूज़ करना चाहिए जो हमारे बालों को लंबा, घना और मुलायम बनाता है। अब बात करते हैं तेल की कि हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे बालों को सही से पोषण देगा, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी करेगा, हमारे बालों को रेशमी, मुलायम, काला और घना बनाएगा। तो वैसे मैंने मार्केट में कई तरह के हेयर ऑयल ढूंढे, देखे और कई तरह के मैंने हेयर ऑयल यूज़ भी किए हैं, लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत सारे हेयर ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे जिसका बेस्ट रिज़ल्ट मिला है वो मेरे पास सिबेलो हेयर ऑयल है। ये है सिबेलो हेयर ऑयल, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल सकता है और ये डैंड्रफ होने से बचाता है, हेयर फॉल को बचाता है और बालों को हेल्दी रखता है और बालों को लंबे समय तक काला भी रखता है। अब हम बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं। इसमें है भृंगराज, ब्रह्मी, जटामासी, हिना, तुलसी, ऐसे ही इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं जो हमारे बालों को हेल्दी रखे और लंबे समय तक काला करे। और आप एक बार इसको इस्तेमाल करिए, मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ और अगर आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो इसके साथ साथ कैप्सूल भी आते हैं, इसके 3 से 4 महीने आप इस हेयर ऑयल को यूज़ करिए, उसके साथ वो कैप्सूल्स का सेवन कीजिए तो आपको बहुत और ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। और आप इसको वीक में 2 या 3 बार इसको आप इस्तेमाल करें, रात में आप इसको हल्का हल्का अपने हाथों से स्कैल्प में मसाज करें और मॉर्निंग में आप वॉश कर दें, आप शैम्पू कर लें अपने बालों को, आप दिन पे दिन आप देखेंगे कि आपके बालों में पहले ज़्यादा